किंग्स ऑर्गेनिक टमाटर केचप, धनबाद के किसानों द्वारा जैविक विधि से उत्पादित टमाटर का बिल्कुल शुद्ध उत्पाद है। टमाटर की खेती भी कृषि विशेषज्ञों के देखरेख में बिना किसी हानिकारक कीटनाशक के प्रयोग से की जाती है। कोपल किसानों के समृद्धि के साथ रखती है लोगों के सेहत का ख्याल। तभी तो कोपल कहता है, आप रखे किसानों का ख्याल और वो रखेंगे आपकी सेहत का ख्याल। किंग्स ऑर्गेनिक टमाटो केचप, शुद्ध खाओ, स्वस्थ रहो। दोनों हाथों से निशक बसंती दिव्यांगों के लिए मिसाल ही नहीं, प्रेरणा स्रोत। स्कूल के छात्रों को पढ़ाने के अलावा घर के कामकाज भी करती हैं पैरों से। जन्म से ही दोनों हाथों से निशक्त होने के बावजूद अपने अटूट हिम्मत और हौसले का परिचय देते हुए पैरों के दम पर पढ़ाई लिखाई करने की इच्छा शक्ति को प्रत्यक्ष प्रमाणित करने वाली सहायक अध्यापिका के रूप में बच्चों को पढ़ा रही सिंदरी के डोमगढ़ DL2 की रहने वाली बसंती कुमारी उन दिव्यांगों के लिए मिसाल ही नहीं बल्कि प्रेरणा स्रोत है। जो अपने दिव्यांगता से मायूस या हतोत्साहित है, पिता के देहांत के बाद से घर की पूरी जिम्मेदारी है बसंती पर। बसंती स्कूल में छात्रों को पढ़ाने के साथ साथ घर के कई कामकाज भी अपने पैरों से ही करती हैं। वो 5 बहनों में सबसे बड़ी है। उन्होंने सेकंड डिवीजन से BA पास करने के बाद 2005 में उत्क्रमित मध्य विद्यालय रोहड़ा बांध में पारा टीचर के रूप में अपना योगदान दिया। 2008 में पिता माधव सिंह के देहांत होने के बाद से अब तक घर की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं पर है। हालांकि पिता के रिटायरमेंट के बाद घर की माली हालत ठीक नहीं होने के कारण उन्होंने 1993 में 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद से ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। पैदा होने के बाद लोगों ने सलाह दी, नमक चटाकर मार दो। बसंती कुमारी ने जो बातें बताई उसमें से कुछ बातें लोगों को शर्मसार करने वाली है, तो कुछ बातें ऐसी है जो दिव्यांग बच्चों के माता पिता को प्रेरित करने वाली भी है। उन्होंने बताया कि 5 जनवरी 1977 को उनके पैदा होने के बाद आस पड़ोस के लोग एवं दूर दराज के रिश्तेदारों ने उनकी माँ प्रभावती देवी एवं पिता को उन्हें नमक आदि चटाकर मारने के लिए उकसाया, लेकिन इन सभी बातों को नज़रअंदाज कर बसंती के माता पिता ने सामान्य बच्चों की तरह उनकी परवरिश की। पैरों से पढ़ाई लिखाई करते देख आश्चर्यचकित होते थे सब। बसंती बताती है कि उन्होंने 6 वर्ष की उम्र में अपने पिता के समक्ष स्कूल में दाखिला का इच्छा जाहिर किया। इस पर उनके पिता ने कहा कि तुम हाथों के बगैर पढ़ाई कैसे करोगी। बसंती ने कहा, पैरों से। बसंती के जिद को देखते हुए उनके पिता ने उनकी दाखिला पास के एक स्कूल में करवा दिया। इसके बाद वो स्कूल जाकर पैर से ही पढ़ाई लिखाई करने लगी। ये सब देख आश्चर्यचकित होते थे। वो 5वीं कक्षा में थी, उसी वक्त ठान लिया था कि मैं शिक्षक बनूंगी। पिता को फख्र था कि लोग जिस बेटी को मारने की सलाह देते थे वो आज पूरे घर को संभालते हुए है। उनकी आखिरी इच्छा थी कि मेरी बेटी की अस्थाई तौर पर सरकारी शिक्षक के रूप में नियुक्ति मिले, जो मिल ना सका। बहरहाल जो भी हो, सच्चाई तो यही है कि बसंती आज अपने हौसले और जज्बे के दम पर पूरे परिवार को संभालते हुए, बस अफसोस इस बात की है कि उनके पिता की आखिरी इच्छा पूरी नहीं हो सकी। देखिए सर, मैं बोलना चाहती हूँ कि दिव्यांग होने के बावजूद हम इस मुकाम पर पहुँचे, इसमें तो दिक्कत आई थी, बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे कि ये कैसे पढ़ाएगी, कैसे लिखेगी, कैसे बच्चों को एजुकेशन देगी, किस तरह से समझाएगी। हमको हर जगह खड़ा होकर के बताना पड़ा था कि हम पैड से लिखेंगे, कापी में लिखेंगे, बच्चों को हम हर बात समझाने का प्रयास करेंगे, खेल खेल के माध्यम से भी उनको शिक्षा देंगे, और इस तरह से हम बच्चों को पढ़ाना शुरू किए, आगे बढ़ते गए। तो ये सारी दिक्कतें एक दीवान होने के बावजूद हम जब टीचिंग लाइन में आए तो ये सारे सवाल उठा था,
और ये सारे सवाल का जवाब देते हुए मैं आगे बढ़ती गई। तो कठिनाई तो ज़िंदगी में बहुत आती है, लेकिन हर कठिनाई को जवाब देते हुए सहनशीलता से आगे बढ़ती गई और इस मुकाम पर मैं टीचिंग लाइन में यानी टीचर बन गई। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये ज़रूर कहूँगी कि साहस हमेशा, साहस को टूटने नहीं देना चाहिए, साहस को बेकरार रखिए और हिम्मत हमेशा रखिए। और गार्जियन जो भी हैं, मैं इस चैनल के माध्यम से कहूँगी कि माता पिता अगर जिनके बच्चे दिव्यांग हैं, उस एक तो वो परेशान रहते हैं कि मेरे बच्चे दिव्यांग हैं, हम नहीं रहेंगे तो मेरे बच्चों के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, ये माँ बाप का सोचना स्वाभाविक है, लेकिन समय के अनुसार चलना है और अपने बच्चों को जिस तरह का दिव्यांग है, जिस तरह का आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको माता पिता थोड़ा सा वक्त निकालें और वो उनके दिशा में टीचिंग अभी बहुत चल रहा है, दिव्यांग बच्चों को तरह तरह से शिक्षा दी जाती है, वो वहाँ तक पहुँचे और अपने बच्चों को पढ़ाई में मदद करें और जहाँ जिस बच्चे को दिक्कत आ रही है शिक्षक भी हैं साथ में, आप गार्जियन भी शिक्षक को सपोर्ट कीजिए, अपना हिम्मत बनाए रखिए साहस के साथ, तभी बच्चा का भी हिम्मत रहेगा। तो हम भी इस मंजिल में जब आई अकेले नहीं थी, मेरे माता पिता मेरे साथ थे और मुझे इस तरह इतना अच्छा सपोर्ट किए कि हम इस दिव्यांग होने के बावजूद एक लड़की होने के नाते भी मैं एक टीचर बनी। और ये बहुत बड़ी बात है कि आज हमको इस बात का बहुत अच्छा लगता है कि मैं टीचर बनी, अपना कमा के खा रही हूँ, अपना परिवार बहन लोग को खिला रही हूँ और रहती भी हूँ। अच्छा, ये और एक सवाल है, यहाँ जिस समय आप पैदा हुए थे तो आपके माँ और पिता जो हैं उनको किस प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ा था? उस समय जब अचानक हमको देखी मेरी मम्मी, तो वो परेशान थी, रो रही थी कि बेटी मेरी हुई है, हाथ नहीं है, किस तरह से क्या करेंगी नहीं करेंगी, लेकिन वो अपने मन में एक विश्वास कहीं रख ली थी कि जब तक मैं जीवित रहूँगी, लोगों को बस यही बोलती थी, लोग तो बहुत ताना देते थे मेरी मम्मी को और मेरे पापा को भी, लेकिन मेरे पापा कुछ बोलते नहीं थे, बहुत शांत दिमाग के थे, लेकिन मम्मी बोल देती थी कि जब तक मैं जीवित रहूँगी तब तक अपनी बेटी को मैं देखभाल करूँगी और खाना पीना सब कुछ खिलाऊँगी, और मरने के बाद तो मैं देखने नहीं आऊँगी कि मेरी बेटी कैसी है कैसी नहीं, और मुझे पढ़ाने के लिए हम आगे बढ़े और पढ़ते गए। और मतलब माता पिता का सपोर्ट जो है हमेशा और हर प्रकार का रहा? हाँ, हर तरह से माता पिता का सपोर्ट रहा है, तभी हम इस मंजिल को पार किए हैं, बिना माता पिता के सपोर्ट का तो संभव नहीं था। आप कुछ सरकार से मांग करना चाहेंगी? हाँ, सरकार से यही कहना चाहूँगी कि मेरी दिव्यांगता और मेरी योग्यता को देखते हुए मुझे सहायक अध्यापक के पद यानी पारा शिक्षिका के पद पर, मैं प्रशिक्षित शिक्षिका हूँ, इस पद पर मैं हूँ, तो मुझे मेरी दिव्यांगता और एजुकेशन के देखते हुए मुझे सरकारी नौकरी अगर कर देते सर, राज्य सरकार या केंद्र सरकार, तो मैं उनका बहुत आभारी मानती और ज़िंदगी थोड़ा बेहतर गुजरता। और मेरे माता पिता का भी सपना था कि मेरी बेटी सरकारी टीचर बनती, लेकिन उनका सपना अधूरा रह गया। यही कहना चाहती, थोड़ा सा मुझे थोड़ा हमेशा दिल में कहीं ना कहीं खटकता है। हाँ, टीस है थोड़ा सा, ये बात का तकलीफ होता है।